नमस्कार दोस्तों, इनसाइड इंजीनियरिंग चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। मेरा आईटीआई वाले दोस्तों, आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो मैं सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो जो स्टूडेंट आईटीआई कर रहा है, बहुत मुश्किल से कोई गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, लेकिन बुक खरीदने का पैसा नहीं है, तो मैं चाहता हूँ मुझे लाइक मिले या ना मिले, आप उन लोगों के पास शेयर कर दो, ताकि वो मेरा चैनल को देख के कोई भी अगर उसका हेल्प हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आईटीआई वालों की कदरदारी करना चाहिए, वो इंजीनियर ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक आप शायद देख पाए होंगे, टाइप ऑफ स्पैनर्स, जो फिटर का स्टूडेंट यूज़ करता है, टर्नर भी यूज़ करता है, और डीजल इंजन मैकेनिक और प्लम्बर भी यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्पैनर क्या होता है? स्पैनर एक ऐसी हैंड टूल होता है कि वो कोई भी अगर कोई नट को या बोल्ट को लूजनिंग और टाइटनिंग करना है तो वो यूज़ किया जाता है, चाहे वो डेप्थ में हो या बाहर में हो। तो पहली पिक्चर आप देख रहे हैं, उसको सिंगल एंड स्पैनर कहते हैं, क्योंकि इसका एक एंड है, तो इसको सिंगल एंड स्पैनर कहते हैं। ये जनरल वर्क के लिए यूज़ होता है। इससे भी बढ़कर है डबल एंडेड स्पैनर। डबल एंडेड स्पैनर भी जनरल वर्क के लिए यूज़ होता है। ये मल्टीपल दोनों साइड पर डबल एंडेड होते ने के नाते ये हेवी लोड के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आता है सॉकेट स्पैनर। सॉकेट स्पैनर का क्या काम होता है? सॉकेट स्पैनर ये ज़्यादातर डीजल इंजन मैकेनिक वाले यूज़ करते हैं। तो सॉकेट स्पैनर, अगर कोई नट या बोल्ट कोई लेस डेप्थ में है, अगर कोई नट या बोल्ट लेस डेप्थ पर है, उन जगहों पर सॉकेट स्पैनर से आप कोई भी नट या बोल्ट को लूजनिंग और टाइटनिंग कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक सरफेस है। ठीक है, तो सरफेस के दौरान एक डेप्थ में, ये नीचे वाली डेप्थ में आप देख रहे हो कि ये जो नट एंड बोल्ट है, नट बोल्ट है, तो वो थोड़ा नीचे है। तो इस जगह पर आप कोई साधारण सिंगल एंड या डबल एंड से कोई नट, वो जो सरफेस के सतह पर होता है, उससे उसको आप सिंगल एंड या डबल एंड से खोल सकते हो। लेकिन आप हुक स्पैनर से, सॉरी, आप सॉकेट स्पिनर से यहाँ इस जगह पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, ये है एडजस्टेबल स्पैनर। ये एडजस्टेबल स्पैनर आप एडजस्ट करके कोई नट या बोल्ट को लूजनिंग और टाइटनिंग कर सकते हो। लेकिन हर एक एडजस्टेबल स्पैनर का एक निर्दिष्ट मान होता है, उससे ज़्यादा आप कोई भी जॉब को ग्रिप नहीं कर सकते। तो एडजस्टेबल स्पैनर का आप देख सकते हो कि वो जो स्प्रिंग वाला चीज़ है, उसको कहता है नल। ठीक है, नल के अंदर एक पिन होता है, और एक पिन और वॉशर और स्प्रिंग होता है। ठीक है, उसकी मदद से वो एडजस्ट करके आप जॉ को बड़ा या छोटा करते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यस दोस्तों, आप सही समझे, इसको पाइप रेंच कहता है। ठीक है, ये करीब करीब मंकी रेंच की तरह भी दिखता है। मैं मंकी रेंच का भी एक पिक्चर दिखा दूंगा। इसको पाइप रेंच बोलते हैं। इसको ज़्यादा फिटर और प्लम्बर के स्टूडेंट ने, फिटर और प्लम्बर का लोगों ने ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पाइप रेंच कैसे काम करते हैं, शायद आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा एक एनिमेशन देख के। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये कोई पाइप फिटिंग पर अगर आपको टाइटनिंग करना हो या लूजनिंग करना हो, तो ये आपको मदद करता है। इससे भी ज़्यादा इस पिक्चर को देख के शायद आप समझ जाओगे कि कोई भी पाइप फिटिंग का जॉइंट को अगर आप टाइट करना चाहते हो या लूज़ करना चाहते हो, तो आपको हेल्प करता है ये पाइप रेंच। इसका भी एक लिमिट होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों। यस दोस्तों, इसको कहता है चेन स्पैनर। अब तो पाइप रेंच दिखे हो कि पाइप स्पैनर अब दिखे हो कि वो ज़्यादा बड़ा डायमीटर का नहीं, जो आपको होल्ड कर सकता, ग्रिप नहीं कर सकता। लेकिन चेन स्पैनर को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। वो बड़ा जॉब का डायमीटर, अगर कोई जॉब का सिलिंड्रिकल बॉडी का डायमीटर ज़्यादा है, तो उस जगह पर आप चेन स्पैनर का यूज़ करते हो। ये ज़्यादातर फिटर भी यूज़ करता है और प्लम्बर भी यूज़ करता है। ठीक है, ये देखो दोस्तों, इसको कहता है स्पाइडर स्पैनर। इसका आकृति से इसको स्पाइडर नाम दिया गया है। तो ये तो ज़्यादातर डीजल इंजन मैकेनिक वाले यूज़ करते हैं। ठीक है, वो टायर की कोई नट को ढीला करना या टाइट देना, ठीक है, वो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, कहीं पर भी शायद आप दिखे हो। ये देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि टायर की जो रिंग है, रिंग से वो नट निकल रहा है। ये ज़्यादातर हेक्सागोनल नट से, जो नोचेस है उसके फेस के अंदर, जो नोचेस है उससे ग्रिप कर कर कोई नट को लूज और टाइट करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख। तो दोस्तों, आपका सामने जो पिक्चर है, उसको बोलता है टूबुलर स्पैनर। तो टूबुलर स्पैनर ज़्यादातर
कोई हेक्सागोनल नॉट को अगर टाइट करना हो या लूज़ करना हो तो उसके लिए काम आता है। लेकिन मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, ट्यूबुलर स्पिनर लेद मशीन पर भी यूज़ किया जाता है। अगर कोई लेद मशीन में जो जॉ होता है उसके अंदर आप कोई जॉ फिक्स्ड करते हो सिलिंड्रिकल बॉडी का, तब आप क्या करते हो, वो ट्यूबुलर स्पिनर को लेकर उसको सेंटरिंग करते हो ताकि कोई भी जॉब अच्छे से निकले टर्निंग होकर या सेंटरिंग ज़्यादा ओसिलेशन ना हो, तो आप तब ट्यूबुलर स्पिनर का यूज़ करते हो। ठीक है, तो दोस्तों एक वीडियो एक पिक्चर मैंने आपको दिखाने के लिए रखा था तो वो मैं भूल गया था, तो ये एडजस्टेबल स्पैनर का पिक्चर है। ठीक है, जिसके पास बुक नहीं है ये इसको देखकर अच्छे से समझ सकता है कि उसको वॉर्म्स क्यों कहता है और उसको फिक्स जो कहता है जो एक जगह पर खड़े रहता है जिसको नॉल के दौरान वो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हैंडल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको कहता है रिंग स्पिनर। रिंग स्पिनर भी ज़्यादातर जनरल काम के लिए भी यूज़ किया जाता है और वो ऐसी काम पे भी यूज़ किया जाता है जो जो नट सतह के ऊपर हो या थोड़ा नीचे हो, लेस डेप्थ हो, उस पर भी यूज़ किया जाता है टाइटनिंग और लूजनिंग के लिए। और एक बात दोस्तों, रिंग स्पिनर का जो आप दोनों एंड देख सकते हो उसमें जो होल है, होल के अंदर से आप देख सकते हो थोड़ा उभर खबर है, तो उसको नोचेस कहता है। इसको रिंग स्पिनर के अंदर टोटल 12 नोचेस होता है। क्या बात, रिंग स्पिनर के अंदर टोटल 12 नोचेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, इसको पिन हुक स्पिनर यूज़ करता है। ये ज़्यादातर हमारी इंडिया में यूज़ नहीं होता है, यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा यूज़ होता है। तो पिन हुक स्पिनर, अब जो पिक्चर देख रहे हो एडजस्टेबल पिन हुक स्पिनर है। ठीक है, तो ये कोई भी स्लॉट पर अगर आपको कोई नट या बोल्ट को टाइट करना है तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। एक पिक्चर और देख लो, एडजस्टेबल, दोनों ही एडजस्टेबल है। एक कोई राउंड बॉडी को टाइटनिंग और लूजिंग के लिए और वो कोई भी स्लॉट एरिया पे काम करने के लिए। यस दोस्तों, इसका नाम है मंकी स्पैनर। ये करीब करीब पाइप रेंज की या पाइप स्पैनर की तरह ही दिखता है। इसका सिस्टम एडजस्टेबल स्पैनर की तरह होता है, आप देख सकते हो। तो इसको आप पाइप फिटिंग में भी यूज़ कर सकते हो, कोई बड़ा जॉब या डायमीटर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक बात मैं बोल देता हूँ, जितनी तरफ कभी आपको मैंने बोला ना कि मंकी स्पैनर, पाइप स्पैनर जो भी है, तो वो एक डिज़ाइन से नहीं मिलता, वो बहुत सारे डिज़ाइन में पाया जाता है। ठीक है, वो सॉकेट स्पैनर हो चाहिए, पाइप स्पैनर हो, मंकी स्पैनर हो। तो मेरे दोस्तों, अगर मेरे वीडियो को आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर मैंने कुछ गलत बताया तो कमेंट भेज दीजिए। और प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों, गरीब भाइयों के पास जिसका फादर कोई फार्मर है या गरीब मजदूर है जो ITI तो गवर्नमेंट कॉलेज में चांस पा गया लेकिन बुक खरीदने की पैसा नहीं है, सबके अंदर गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए एक जुनून होता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप एक बुक खरीदने से कुछ कुछ नहीं होगा। तो मेरे पास बहुत सारा बुक है, तो मैं उस बुक से क्वेश्चन बनाऊंगा, नेक्स्ट टाइम मैं स्पैनर से कोई क्वेश्चन दे दूंगा ताकि वो जो गरीब स्टूडेंट्स है वो वीडियो को फॉलो कर वो थोड़ी तो पढ़ाई करें। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।